You will get a headache after watching. Yaki Shroff ko completely waste kiya. To be honest, mujhe film itni pasand nahi aayi. Story mein utna maza nahi aaya. First half was thoda sa slow. Horror ka element mujhe samajh nahi aaya. Script wise thoda sa loose tha. फिल्म में ज्यादा आप लॉजिक वगैरह मत देखो, उनकी हिंदी भी काफी सुधर गई है अभी। ऐसा तो कुछ था नहीं ऐसा देखने में, डरावना वो सब जो होना चाहिए था वो नहीं था इतना कुछ। फोन बूथ मुझे थोड़ी सी एवरेज मूवी लगी, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मजा नहीं आया देख के। मतलब कितने बड़े बड़े एक्टर्स थे, कैटरीना कैफ जैसे इतना हाइप था, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिसअपॉइंट हो गए। स्क्रीन प्ले बहुत वीक है, एग्जीक्यूशन और प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं है, और जैसे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था वह उस तरह से इट फॉल्स फ्लैट। सेकेंड हाफ इज़ वेरी बोरिंग एंड मोनोटोनस, इट इज़ बीइंग जस्ट स्ट्रेच्ड। और सवा दो घंटे की मूवी है, और अगर सवा दो घंटे भी हमें बैठना मुश्किल हो जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड। कंटेंट वाइज बॉलीवुड हैज़ टू कम अप विद समथिंग, इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट जिस तरह से प्रेजेंट किया आई थिंक गुरमीत सिंह जो इसके डायरेक्टर हैं, और अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता था। ईशान और ये भी अच्छा है, उनकी रोल्स ठीक है, मतलब ईशान और सिद्धांत के, और कैटरीना कैफ का भी भूत का रोल है, तो वो पहला हाफ थोड़ा एंगेजिंग लगा क्योंकि कॉमेडी पंचेस है, बट सेकंड हाफ में स्टोरी कहाँ जा रही कुछ पता नहीं है, कम्प्लीटली हेल्टर स्केल्टर, तो आपको यू विल गेट अ हेडेक आफ्टर वॉचिंग द सेकेंड हाफ। सो ऑडियंस विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इतना हाइप था मूवी का, इतना प्रमोशन था, इट फॉल्स फ्लैट इन द सेकेंड हाफ। एक दो रिमिक्स सॉन्ग्स है, किन्ना सोना और तनिष्क बागची, और तीन चार और हैं माइकी और रोचक वगैरह से, तीन चार रॉय एक है काली तेरी गुत्त जो रॉय ने कंपोज किया वो मुझे अच्छा लगा, बाकी और कुछ इतना ये नहीं है, एंगेजिंग नहीं है सेकेंड हाफ में बिल्कुल। फर्स्ट हाफ में फिर भी आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब क्या होगा, बट इट फॉल्स फ्लैट इन द सेकेंड हाफ। पता नहीं, आई डोंट थिंक दे इम्प्रोवाइज, इतने बड़े बड़े एक्टर, जैकी श्रॉफ को कम्प्लीटली वेस्ट किया, शीमा चड्डा जी इतनी सीनियर एक्ट्रेस है उनको भी वेस्ट किया, कैटरीना कैफ इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उनका भी रोल उतना, मतलब कि कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पाए सेकेंड हाफ में। और ईशान और सिद्धांत भी अच्छे एक्टर्स हैं, बट उनको भी मिसयूज़ ही किया मुझे लगता है, कि कहीं भी डायरेक्टर वो दिखा ही नहीं पाए जो दिखाना चाहते थे। एंड वेरी फ्यू पीपल टर्नड अप, दे वर हार्डली 10 to 12 पीपल, ऑल यंगस्टर्स, मे बी बिकॉज ऑफ ईशान सिद्धांत यंगस्टर्स आए थे, तो लोग दे वर नॉट इन्जॉइंग द मूवी। कॉमेडी पंचेस पहले हाफ में ठीक ठाक है, सेकेंड हाफ में तो कुछ है ही नहीं देखने लायक। मैं 2.5 दूंगा विद अ हैवी हार्ट, क्योंकि के यू मोहनन जो इतने अच्छे सिनेमेटोग्राफी है, उनकी सिनेमेटोग्राफी मुझे एवरेज लगी, एडिटिंग ठीक है और सवा दो घंटे की है तो मनन मेहता ने ठीक रखा, टाइट रखी, एप्ट थी, बट अगर कंटेंट वीक है, अगर स्क्रीन पे इतना वीक है तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी। थैंक यू। मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे फिल्म इतनी पसंद नहीं आई, ट्रेलर से ही मुझे मतलब डिसअपॉइंटिंग लग रही थी, और देखने के बाद भी मुझे फिल्म वैसी लगी, मतलब नथिंग ग्रेट। क्या चीज़ जो आपको अच्छा नहीं लगा? मतलब इनफैक्ट मतलब ये जो हॉरर कॉमेडी जो है, मतलब पहले स्त्री आई थी और स्त्री के बाद जो भी हमने हॉरर कॉमेडीज देखी, जैसे रूही हो गई, भूत पुलिस हो गई, या भूलभुलैया 2 ले लो, तो मतलब हॉरर कॉमेडी को कोई मतलब भली भांति ऐसे समझ नहीं पाया आफ्टर स्त्री, जो अमर कौशिक ने जैसे उसको प्रेजेंट किया था। मतलब यहाँ भी कुछ पंचलाइंस है जो आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन बाकी ओवरऑल काफ़ी चाइल्डिश और लगती है। सो हॉरर कॉमेडी में हॉरर कितना ज़्यादा था और कॉमेडी कितना? हॉरर तो मुझे कुछ लगा नहीं टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ। हाँ कुछ कॉमेडी पंचलाइंस है जो आप एंजॉय कर सकते हो, फनी मोमेंट्स है कुछ फिल्म में, लेकिन जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है, मतलब वो हमको भूत अंकल की याद दिलाता है, जो हमने सभी ने टीवी पे देखी होगी, हमारा चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया है उससे, लेकिन ओवरऑल मतलब ठीक ही था, इतना कुछ खास नहीं था। और गुरमीत सिंह जिन्होंने हमको फुकरे फुकरे रिटर्न्स जैसी फनी फिल्म्स दी है, सो यहाँ उनका डायरेक्शन थोड़ा निराशाजनक लगता है। परफॉर्मेंस मतलब ये पहली बात तो परफॉर्मेंस वाली फिल्म थी नहीं, सो जो भी था मतलब आप नॉर्मल ऐसे फन के हिसाब से एंजॉय कर सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स भी मतलब इतना कुछ खास नहीं लगे मुझे। हाँ एक हाथ गाना था जो एंजॉय कर सकते, लेकिन ओवरऑल मतलब ठीक था, नथिंग ग्रेट म्यूजिक में भी। आउट ऑफ 5 कितना रेट? मैं इसको 2 स्टार दूंगा। 3 स्टार कम किया आपने, तो क्या इम्प्रूवमेंट देखा? मतलब पहली बात तो जो डायरेक्शन था वो, बाद में जिस तरह प्रेजेंट किया है वो, सो बेसिकली उसकी वजह से स्टोरी थी एंड ऑल जो भी है, और मैंने मतलब काफ़ी ऐसे हॉरर कॉमेडीज देखी है, सो उससे अगर हम कंपेयर करें, जैसे भूत पुलिस मुझे एवरेज फिल्म लगी थी, सो ये उससे थोड़ा मुझे एक लेवल कम लगी, इसके लिए मैं 2 देता हूँ।
ओके ओके ठीक है, मतलब हॉरर कॉमेडी है ये जॉनर तो इट शुड बी लाइक रिफ्रेशिंग, तो हाँ ठीक है अच्छा लगा। कैटरीना ने फर्स्ट टाइम ये जॉनर यू नो अटेम्प्ट किया है, सो शी वॉज लुकिंग वेरी गॉर्जियस एंड डीवा शी इज़, और उनका रोल मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा, सो या आई अच्छा लगा। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो, क्लाइमैक्स तक थोड़ा हंसी आया, अगर थोड़ा थोड़े जगह पे ऐसा लग रहा था कि कॉमेडी फोर्स्ड है, बट ओवरऑल इट वॉज ओके गुड। हाँ क्यूट था, क्यूट लगे। हाँ भाई उनकी भी अच्छी थी, दोनों की, दोनों ने भी फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट किया है ये जॉनर कॉमेडी हॉरर, सो या सॉन्ग द फर्स्ट जो पहले हाफ पे ही है वही सॉन्ग अच्छा लगा था। नहीं इतनी भी नहीं है, अगर मैं भूल भुलैया 2 के साथ कंपेयर करूँ तो उतनी हंसी नहीं आई, मतलब ओके ये OTT के लिए बनी थी, अगर OTT पे रिलीज़ करते तो ठीक रहती। 3.5 सॉरी। हाँ हाँ स्टोरी थोड़ी अच्छी हो सकती थी, और एक्टिंग कैटरीना ठीक है, उनकी एक्टिंग मतलब इतनी मैं फ़ैन नहीं हूँ उनकी, सो या कहीं कहीं पे वो मुझे वो कमी लगी उनकी, बाकी वो शिभा चड्डा थी उनका अच्छा लगा मेरे को, कॉमेडी कॉमिक टाइमिंग अच्छा था उनका। अरे हाँ उनके बारे में बताया नहीं, आत्माराम उनका वो एक ही कैरेक्टर थे ना, बहुत अच्छा लगा वो हीरो का फ्लूट बजाना, तो वो अपनी मतलब भीड़ू और उनका वो जो अपना ही एक्सेंट था तो वो अच्छा लगेगा ऑडियंस को, नो डाउट। हाँ ओके। फिल्म बहुत एक्सपेरिमेंटल है एंड कैटरीना कैफ का काम मैं कहूँगी ठीक है। कैटरीना कैफ जो सीजन एक्टर हैं एक वो है, आई थिंक कहीं ना इतना जितना सब कुछ इस फिल्म में है वो इसकी प्रमोशन में बाहर नहीं आया, सो इन अ वे आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी द फिल्म। दो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, बहुत सारे क्वर्क्स डाले हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डायलॉग्स डाले हैं विच मेक्स यू लाफ। हॉरर का एलिमेंट मुझे समझ नहीं आए, थोड़ी कॉमेडी की तरफ ज़्यादा है, हॉरर की तरफ कम है, बट एंड डेफिनेटली एक अच्छा फ्रेंचाइज मॉडल फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस ने क्रिएट करा है, इट कैन कम आउट एज अ सेकेंड मूवी मे बी बेटर स्टोरी लाइन के साथ, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर्स अच्छे प्लॉट करे हैं फिल्म में। मूवी के अगर बेस्ट सीन्स की बात करें, आई वुड से फैमिली एंटरटेनमेंट एंटरटेनर है, बच्चे इंजॉय करेंगे, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग, मुझे डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं, क्वर्क्स हैं। आई वुड से I like lot of dialogues. I can't remember like that, but I think yeah, it's dialogues are nice. और chemistry तीनों की कैसी लगी? Chemistry तीनों की अच्छी है। Katrina Kaif I think उस तरह की season कलाकार हो चुकी हैं कि वो किसी के साथ भी अपनी chemistry अब बिठा सकती हैं। रही बात ईशान खट्टर की और सिद्धांत चतुर्वेदी की, it is very very interesting to see young blood doing experimental cinema and it is nice to see young blood. You know बहुत time से हम वही चेहरे देखते आ रहे थे, नए चेहरे हैं, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। songs की बात करें, सॉन्ग्स मेरे को काफ़ी इन्फोर्स लगे, ज़बरदस्ती के लगे, बस एक वो स्टार्टिंग वाला जो सॉन्ग है फर्स्ट सॉन्ग कैटरीना कैफ का, उसका थोड़ा सा क्रेज़ था अभी तक तो वो ठीक लगा, बाकी आई थिंक सॉन्ग्स आर इन्फोर्स। बैकग्राउंड स्कोर इज़ ओके, जैकी श्रॉफ का काम अच्छा है, जैकी श्रॉफ की हीरो ट्यून वॉज क्वाइट अ यू नो एंटरटेनर, बट ऑल इन ऑल अ गुड पैकेज। आउट ऑफ पैकेज 3, आई वुड गिव 3 स्टार्स। थैंक यू। फोन बूथ मूवी मुझे एक कहा जाता है एंटरटेनमेंट मूवी है, एक हॉरर कॉमेडी जॉनर है, तो स्क्रिप्ट वाइज थोड़ा सा लूज था, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म में म्यूज़िक बहुत अच्छा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया गाने को, और कहते ना खून में एक एक्टिंग है, वो ईशान खट्टर का काम बहुत अच्छा लगा मुझे एज एन एक्टर, और सिद्धांत चतुर्वेदी का काम भी अच्छा था, कैटरीना कैफ का काम भी अच्छा था, जैकी श्रॉफ का काम अच्छा था। फिल्म बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी देखने से, बट लूज़ जो हुआ वो स्क्रिप्ट वाइज लूज़ हुआ, ऑनेस्टली रिव्यू है। अब कहीं ना कहीं नेक्स्ट पार्ट अगर आप बनाने वाले हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बाकी मैं बोलूँगा कि कैटरीना का काम भी बहुत अच्छा था, और अभी शुरुआत है ये अभी सेशन का सीज़न का शुरुआत है अगर फिल्मों का, तो अदर मूवी भी रिलीज़ हुई है मिली, जैसे अलग जॉनर की मूवी है, और फोन बूथ एक अलग जॉनर की मूवी है, तो कॉमेडी हॉरर यानी कि आप अपना दिन अगर सुहाना करना चाहते हैं तो बहुत टाइम के बाद कॉमेडी हॉरर फिल्म देख सकते हैं फोन बूथ। अरे बाबा अनएक्सपेक्टेड था वो, तो एकदम से एक अलग ही अवतार में उनकी एंट्री हुई तो मुझे लगा कि जैकी दादा मेन भूत होंगे जैसे फिल्म की टाइटल के हिसाब से, बट वो तो भूतों के ही बाप है भाई,
और इस कहानी को पूरे राका के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। अब राका कौन है ये जानने के लिए आपको फोन बूथ देखना पड़ेगा। सॉन्ग्स के ऐसे हैं कि आप इन्जॉय कर सकते हो गाने को, और मैंने तो इन्जॉय किया मूवी सिनेमा हॉल के अंदर रहकर। आप भी अगर इन्जॉय करना चाहते हो तो फोन बूथ ज़रूर देखें। कैटरीना मैम डरा नहीं पाई, एक्चुअली लोगों को हिला दिया उन्होंने लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा हॉट एंड सेक्स बहुत दिखाया उनको। तो मैं कहूँगा कि कैटरीना मैम ने डराया नहीं है, एटमोस्ट लोगों को जोड़ के रखा है। वही एक ऐसा पिलर है पूरी फिल्म के अंदर में जिसने लोगों को जोड़ के रखा था। एंड ईशान खट्टर, ऑलमोस्ट मैं अभी फिर से वापस रिपीट करूँगा, ईशान खट्टर का काम बहुत अच्छा था। यानी कि पूरी फिल्म में देखा जाए तो अगर कैटरीना मैम लीड है बट ईशान खट्टर ने पूरी फिल्म को एज एन एक्टर संभाल के रखा है। उसका रीज़न ये नहीं कि पब्लिक कम है, इससे ऐसी कोई वजह नहीं लगी मुझे। बट कहते हैं ना कि ट्रेलर के वजह कुछ लोग फिल्म देखने से पहले ट्रेलर देख लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। बट मैं कहूँगा फिल्म आके देखे तो कंप्लीट समझ में आता है कि एक्चुअली कि पूरी सिनेरियो क्या है हमारा फिल्म का। बट एक हॉरर कॉमेडी जोनर में जाएंगे तो फोन बूथ देखने लायक फिल्म है। 4 दूंगा क्योंकि 1 पॉइंट कम करूँगा बिकॉज ऑफ थोड़ा स्क्रिप्ट थोड़ा लूज है बस। इवन एक इन्जॉयमेंट के लिए एक नई शुरुआत है, फोन बुक देख सकते हैं हम लोग। थैंक यू। नहीं, वन टाइम वॉच अभी नेक्स्ट टाइम मिली देखेंगे हम। थैंक यू। बहुत अच्छी थी, कॉमेडी एवरीथिंग अच्छा था, बहुत मज़ा आया। उनकी एक्टिंग बहुत मस्त है और अच्छा था, एकदम फनी कॉमेडी जो होना चाहिए फिल्म में वो बहुत अच्छा था। नहीं डरावना नहीं था, बस कॉमेडी बहुत अच्छा था, मज़ा आया, मस्त थे, अच्छे थे एकदम। काफ़ी अच्छा था। 4.5। डरावना वो सब जो होना चाहिए था वो नहीं था इतना कुछ, कॉमेडी था वो मज़ा आया। थैंक यू। किसी लगी? ओके कैटरीना, हाँ कैटरीना के लिए तो देखने गए थे। मूवी में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? ह्यूमर ऐसा थोड़ा सा सही था, पर ऐसा स्टोरी में उतना मज़ा नहीं आया। पर क्या चीज़ खराब लगी? थोड़ा सा ऐसा वीक स्टोरी लाइन था इसमें। और बाकी जो दो एक्टर हैं, हाँ सिद्धार्थ चतुर्वेदी का एक्टिंग सही था, और ईशान की एक्टिंग, ईशान का भी सही था, बट सिद्धार्थ चतुर्वेदी ज़्यादा सही। और सॉन्ग्स कैसे? सॉन्ग्स तो वही पंजाबी पुराने को नए करिए दिए, ठीक था, लेकिन सर कॉपी गाना क्या लगता पार्ट टू करनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। एक क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को मूवी को लेकर? अगर ऐसा टाइम पास करना चाहते हैं देखने के लिए तो आ सकते हैं देखने के लिए, लेकिन फिर ऐसा प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है, ठीक ठाक है बस। आउट ऑफ 5? आउट ऑफ आई थिंक 2.5 आपने कम किया है, क्या रीज़न, क्या इम्प्रूवमेंट देखा? मैं स्टोरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहता हूँ, स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहता थोड़ा, फिर मतलब एंड में जो है ना अपना वेलन को भी ऐसा बहुत ईजिली ऐसा कर दिया, डिफीट किया। तो और फोन बूथ एक अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्म बनी है जो स्टार्ट टू फिनिश आपको हंसाती भी है, लोटपोट हंसाती है और डराती भी है, और सस्पेंस थ्रिलर का एक जॉनर अच्छे तरह से उन्होंने बनाया है। कैटरीना का पहली बार ऐसे कोई रोल में नजर आई है, तो कितना शूट कर रही थी वो? अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, मैं उनकी हिंदी भी काफ़ी सुधर गई है अभी, और वो एक हिंदी फिल्म हीरोइन की लगती है, मतलब ऐसे जस्ट बिकॉज ग्लैमर है ऐसा नहीं, एज एन एक्टर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और सिद्धांत चतुर्वेदी भी है? हाँ सिद्धांत चतुर्वेदी तो नेचुरल कॉमेडियन एक्टर है, और ईशान खट्टर भी अच्छा किया, दोनों का ट्यूनिंग अच्छा है जो लोगों को पसंद आएगा। और सॉन्ग्स के बारे में क्या? सॉन्ग्स कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है गाने। मूवी में क्या चीज़ ऐसी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? जो कॉमेडी है, जो डायलॉग्स हैं, जो वन लाइनर कॉमेडी है, परफॉर्मेंसेस हैं, वो अच्छा लगा। और मूवी में कौन सी ऐसी चीज़ है आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए? ऐसी एक भी फिल्म नहीं है, ऐसे एक भी नहीं है जो पसंद ना आई हो, फिल्म को काफ़ी साफ सुथरी है, मतलब सब लोगों को पसंद आएगी। आउट ऑफ 5 कितना रेट करेंगे? मैं 4 दूंगा। तो सर कैसी लगी फोन? फोन बूथ एक कॉमेडी फिल्म है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, इन्जॉय करोगे आप। सिद्धांत चतुर्वेदी ने अच्छा काम किया है, इनकी गहराइयाँ आई थी उसके पहले गली बॉय,
अच्छी परफॉर्मेंस है, और ईशान खट्टर जो एक्टर है हमारे शाहिद कपूर के छोटे भाई, काम अच्छा है। कटरीना का काम भी अच्छा है, जैकी श्रॉफ का भी काम अच्छा है। फिल्म में ज़्यादा आप लॉजिक वगैरह मत देखो, इंजॉय करो, आपको फिल्म बोर नहीं करेगी। ईशान खट्टर ने बीच बीच में रजनीकांत के फ़ैन बने हुए हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलने लगते हैं। फिल्म फ़नी है, ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिनेमा हॉल में आके देखोगे तो मज़ा आएगा, OTT पे या फिर पायरेटेड वर्जन फ़ोन पे देखने वाले हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मूवी में आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? फिल्म में कॉमेडी अच्छी है, कॉमेडी अच्छी है, हॉरर एलिमेंट्स हैं लेकिन भूतों का मजाक उड़ाया गया फिल्म में। राइटिंग अच्छी है, मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर हैं तो डायरेक्शन भी अच्छा है। VFX इस मूवी के कमाल के हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा फेक नकली नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से कम बजट में बहुत अच्छे VFX दे दिए, तो आपको देख सकते हैं। सॉन्ग्स दो गाने आए हैं, दोनों गाने अच्छे हैं। डांस बहुत अच्छा करते हैं यार ये अपना ईशान खट्टर, बहुत अच्छा डांस करते हैं। सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, कटरीना तो है ही। फिल्म बोर नहीं है, बोर नहीं करेगी, हंसोगे या अपने मज़े से निकलोगे, पैसे आपके ऐसे कुछ नहीं होगा कि वेस्ट हो गया यार, पैसे ठीक ठाक है, टाइम पास 3.5 स्टार जाके देखो, सिनेमा हॉल में देखोगे तो मज़ा आएगा, और पार्ट टू भी आएगा तो अच्छा है। फरहान अख्तर जो ऐसा कंटेंट लेके आए, हटके कंटेंट है, पहले भी हॉरर कॉमेडी आई है, जैकी श्रॉफ ने भूत अंकल ये सब किया है, उनसे हटके है ये, फुल कॉमेडी। थैंक यू। ठीक है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से टाइम पास पिक्चर है, थोड़ा कॉमेडी है तो देख सकते, वन टाइम तो देख ही सकते। हॉरर कॉमेडी में कितना आप डरे और कितना? हॉरर तो उतना था नहीं, जिस पहले की जो फिल्मों में होता था रामसे की फिल्मों, उस हिसाब से तो उस लेवल से तो हॉरर था नहीं, कॉमेडी देखी जा सकती है बस। और परफॉर्मेंस की बात करें, कैटरीना का परफॉर्मेंस के हिसाब से सभी का परफॉर्मेंस अच्छा था, कैटरीना का भी अच्छा था एक भूतनी के उस पर, सिद्धांत और ईशान का भी अच्छा था परफॉर्मेंस। मूवी का कौन सा ऐसा सीन है जो आपको लगा होगा कि ये बेस्ट था? ऐसा तो कुछ था नहीं ऐसा देखने में। तो ऐसा कोई सीन रहा होगा जो आपको लगा होगा कि ये नहीं होना चाहिए? अच्छा अच्छा नहीं, ठीक था, वो भूत की फिल्म है तो जाहिर सी बात है भूत कहीं ना कहीं घुस ही जाता है हर किसी की बॉडी में, तो ठीक था उस हिसाब से। सॉन्ग्स कैसे? स्टार्टिंग वाला किन्ना सोना वो सॉन्ग थोड़ा अच्छा लगा, बाकी तो दूसरा रीमिक्स था, रीमिक्स में क्या है उसमें, वो तो पहले से सुना सुनाया तो उसमें कितना क्या ना, 2.5 स्टार दूंगा। ढाई स्टार कम किए, क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता होना चाहिए? थोड़ा डायरेक्शन अच्छा हो सकता था और स्टोरी पे थोड़ा और अच्छा हो सकती थी। थैंक यू।